ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। थैंक यू। आप ताली हल्की बजा रहे हैं, इतने में सारे लगे हैं, राइट? आज यहाँ किसी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो कपूर साहब क्या दे दिया सब? देखिए, आप यहाँ से बाहर निकले, आप कोई टेंशन में है, आप कोई प्रॉब्लम में है, आप कोई समस्या में है, आपने एक छोटा बच्चा देखा और वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, तो जैसे ही मुस्कुराते हुए बच्चे को आपने देखा, कपूर साहब आपको क्या हुआ? उतने समय के लिए मैं अपनी टेंशन को ताली बजाइए प्लीज। छोटे बच्चे ने मुझे क्या दिया? सुरेश भाई, और मुझे देख करके सामने वाले को क्या होता है? पता नहीं बॉस का मूड कैसा है, घर में पत्नी कहती है पता नहीं बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, भाई मेरा मूड कैसा होना चाहिए? ऑलवेज स्माइलिंग। प्रॉब्लम्स कम प्रॉब्लम्स गो। कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में परमानेंट नहीं है, ये सुन लो, इसलिए परमानेंट क्या होनी चाहिए? माय स्माइल। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए? जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए? हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। ताली बजाइए प्लीज। आज सब क्या करेंगे? छोटा बच्चा एक दिन में 400 बार स्माइल करता है। राजेश भाई, आप अभी भी स्माइल नहीं कर रहे हैं क्या? वो आसन क्या करेंगे? आसन क्या करेंगे? कुछ भी हो जाए, मेरी स्माइल मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ईगो दिस इज स्माइल और स्ट्रेस। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो फिर चेहरे पर तनाव है। क्या पसंद है? मुस्कुराहट। बताइए, मुस्कुराहट तो मुस्कुराएंगे, बस बात बन गई। ओके, और तीसरी बात कौन सी करेंगे? आई एम यूनिक, मैं विशेष हूं, ये समझो। आप सभी विशेष हैं, वैसे बोलिए, कहते जो बोले वही कुंडी खोले। कैसे? कैन यू प्रूफ? सोच में पड़ गए हैं। आउट ऑफ सिलेंस। कैसे? ओके, शिल्पा जी आप बड़ी गंभीर होती है, आप यूनिक है लगता तो नहीं है, भाई साहब कह रहे तो बोल देते हैं। तिवारी भाई, आप यूनिक है, मुस्कुराइए तो सही प्लीज। हाँ जी, अना बोलते नहीं, आप सब यूनिक है। कैसे? आज दुनिया की आबादी 750 करोड़ से भी ज्यादा। कितनी पॉपुलेशन है दुनिया की? कितनी पॉपुलेशन बताइए? 750 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं है। हाजी अनाजी, हाजी अनाजी, मेडिकल साइंस कहती है कोई भी दो उंगलियों के निशान भी एक जैसे नहीं है। ताली बजाइए बढ़िए। तो आप क्या है भाई साहब? अब तो मुस्कुराइए। मेरे जैसा इंसान अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड, साउथ इंडिया में नहीं, कहीं भी नहीं है। तो मैं क्या हूं? आई एम यूनिक, सेकंड टू नन। तो आज से मुझे क्या करना है? मुझे किसी को भी कॉपी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मुझे किसी को भी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि कॉपी करेंगे तो क्या होगा? भाई साहब आप बहुत गंभीर हो गए, मुस्कुराते नहीं। कॉपी करेंगे तो क्या होगा? आप बनेंगे मैनेजर। क्या बनेंगे पीयूष भाई? कॉपी करेंगे तो क्या बनेंगे? कॉपी करेंगे तो बनेंगे मैनेजर, और कुछ नया करेंगे तो बनेंगे लीडर। राजेश भाई क्या बनना चाहते हैं? नहीं, लाइक लालू प्रसाद मना करते हैं। प्लान लालू प्रसाद को कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाएं प्लीज। अच्छा, सारे लोग जानते हैं। ओहो, आपकी जीके बड़ी अच्छी है। ताली हो जाइए। कितने बजे पूरा करना है? पूरा
मुझे टाइम का कुछ पता नहीं है। ओके ओके, तो लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो जापान चले गए। कपूर साहब ध्यान से सुनना, कहाँ चले गए? सुरेश भाई कहाँ चले गए? और वहां के प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने कहा लालू साहब अगर 3 साल के लिए आप अपना बिहार हमें दे दो तो हम उसको जापान बना सकते हैं। लालू जी को दावा गया, कहते आपने कौन सा 3 माल लिया, अगर 3 महीने के लिए आप अपना जापान हमें दे दो हम उसको बिहार बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें लीडर बनना है लाइक महात्मा गांधी, लाइक अब्राहम लिंकन, लाइक विवेकानंद, लाइक डॉक्टर कलाम। लीडर और मैनेजर में क्या फर्क है? लीडर मैनेजर में क्या फर्क है बताइए। ओके, और पीयूष भाई आउट ऑफ सिलेबस बताइए प्लीज, आप लीडर हैं या मैनेजर हैं? सोच में पड़ गए हैं, सोच के बोल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी है। लीडर और मैनेजर में क्या बताइए? लीडर नया करता है। आपसे तो पूछा ही नहीं कपूर साहब, आप अनुशासन तोड़ रहे हैं। चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है। तो वो कॉपी करने से क्या होता है, आप मैनेजर बनेंगे और नया करेंगे तो आप लीडर बनेंगे। एक बड़ी रामलीलाएं हो रही थी, मिसेस कपूर आपने रामलीला देखी? थैंक यू, ताली बजा दें इनके लिए। ओके, और सीता जी की खोज होने वाली और हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने सोचा क्या करें, कहते शास्त्री नगर के मार्केट में चलो, क्या पता कोई हनुमान बनने को तैयार हो जाए कॉपी करने की बात। तो शास्त्री नगर के मार्केट में गए, देखा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति कल्लू हलवाई बैठा हुआ, तो उन्होंने सोचा यह व्यक्ति हनुमान बन सकता है। तो कल्लू जी के पास गए, ओम शांति बोला, कहा कल्लू जी आज रात को आपको हनुमान बनना है? नहीं, जिंदगी में मैंने कोई रोल प्ले नहीं किया, सॉरी। एक बार ही कहा, दो बार ही कहा, कहा कल्लू जी ये सारे समाज की इज्जत की बात है और आपको कुछ करना ही नहीं है। तो कल्लू ने कहा क्या करना है? कहा कुछ नहीं, आप रावण के दरबार में जाना, रावण पूछेगा कौन हो, तो कहना मैं हूं पवन पुत्र हनुमान, और कहते पूछेगा क्यों आए हो, तो कहना सीता माता की खोज करने आए, इतना मैं कर लूंगा। अब कल्लू जी ने मिठाई बेचना बंद कर दिया, रट्टा लगा लिया। क्या रट्टा लगाया कपूर सर? मैं हूं पवन पुत्र हनुमान और मैं आया हूं सीता माता की खोज करने। शाम हुई, रात हुई, हनुमान का चोगा पहना और कल्लू जी गदा हिलाते हिलाते रावण के दरबार में पहुंच गए। दूर से देखा रावण उससे 1 फीट लंबा, कल्लू जी डर गए और रावण ने गरज के पूछा तुम कौन हो? मैं तो कल्लू हलवाई हूं, आपने बहुत तालियां बजी थी। ओके, रावण को बहुत गुस्सा आ गया, उसने पूछा क्यों आए हो? कहते जी माफ करना, मैं आने ही रहा था, मुझे जबरदस्ती ले आया। ओके, तो इस कहानी से फ्रेंड्स हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने क्या सीखा? नो कॉपी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ वो करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नया करिए, कुछ से हटके करिए, कुछ ऐसा करिए जो जो ओके, तो उससे आपको खुशी मिलेगी। आप यूनिक हैं, आपके अंदर वो करने का मादा है, वो शक्ति है, लेकिन वो सोई पड़ी है। ओके, और चौथी बात क्या बोलेंगे सेल्फ डायलॉग में? वाह मेरा भाग्य, हल्के से बोल रहे हैं, वाह मेरा भाग्य, परमात्मा ने मुझे क्या नहीं दिया है उसने मुझे सब कुछ दिया है, मैं उसका कितना धन्यवाद करूं। ओके, तो ये हो गया भाइयों बहनों सेल्फ डायलॉग, ये मेरा मेरे साथ संवाद हो गया। अब देखिए बाहर गर्मी बहुत है, लेकिन यहां बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों?
क्योंकि यहाँ एयर कंडीशनर चल रहे हैं, ये सब नो, ये सब नो। तो गर्मी न आए ये चॉइस नहीं है, सामने वाला कुछ बोले नहीं ये चॉइस नहीं है। चॉइस क्या है? मैं अपने आप को इतना ऊंचा कर दो, इतना ऊंचा कर दो कि सामने वाले ने कुछ बोला उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़े। पॉसिबल? पॉसिबल? यस, दैट इज पॉसिबल। और तभी आप मुस्कुरा सकते हैं, तभी आप स्माइल करेंगे, तभी आप टेंशन से दूर रह सकते हैं। ओके, तो कल से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? कल सवेरे क्या करेंगे? जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठ के क्या करेंगे? आधा घंटे के लिए हम मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, फेसबुक, नो, हम अपना फेस देखेंगे, हम अपने आप से बात करेंगे, हम अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे, अपने आप को कन्विंस करेंगे, आई एम ओके, आई एम यूनिक। अपने आप को बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे वाह मेरा भाग्य वाह। यही मेडिटेशन है, यही सेल्फ डायलॉग है। ओके okay?